नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। पेश है अब तक की 10 बड़ी हेडलाइंस। कोरोना की प्रजनन दर दूसरे फ्लू से तेज, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में सबको चौंकाया। अमेरिकी संक्रमक रोग वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में किया दावा। मास्क गाउन पहनना डॉक्टर्स और नर्स पर पड़ा भारी, पीपी किट से त्वचा हो रही है खराब, कारण है कि लगातार काफी समय से किट पहन रहे हैं मेडिकल स्टाफ। निजामुद्दीन मरकज जांच से जुड़े 5 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, क्राइम ब्रांच की पूरी टीम क्वारंटाइन। गौरतलब है कि ये सभी छापेमारी के दौरान मरकज के अंदर गए थे। लॉकडाउन मानने में भारतीय दूसरे देशों से काफी बेहतर, कोरोना वायरस के कारण अप्रैल में दुनिया के तमाम देशों में लॉकडाउन रहा, इस पाबंदी का पालन करने में भारतीय सबसे आगे रहे। देश में कोरोना के 10 लाख टेस्ट के बाद बड़ी राहत, संक्रमण की दर स्थिर, केंद्रीय पर्यावरण सचिव तथा कोरोना पर बने एक अधिकार प्राप्त समूह के प्रमुख सीके मिश्रा ने कहा कि लॉकडाउन एवं अन्य प्रयासों से सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने में कामयाब रही। प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों को डाउनलोड करना होगा आरोग्य सेतु ऐप, सरकार ने जारी किए निर्देश, 11 भाषाओं में उपलब्ध है आरोग्य सेतु ऐप। दिल्ली में 4000 के पार कोरोना मरीजों का आंकड़ा, हॉटस्पॉट की संख्या घटी, दिल्ली में है 4000 से ज्यादा कोरोना मरीज। कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़, 2 विदेशी दहशतगर्दों का खात्मा, सेना ने आतंकियों के ठिकाने को विस्फोटों से उड़ाया, लेकिन अब फायरिंग रुक गई है, लेकिन सेना का ऑपरेशन अभी भी जारी है। कोरोना का अमेरिका पर कहर, चीन पर भड़के ट्रंप, कहा बढ़ाएंगे टैरिफ। ट्रंप बोले 182 देशों के लिए यह बुरा दौर है, चीन छिपा रहा है महत्वपूर्ण जानकारी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब 1 लाख के मरने की जताई आशंका, पहले कहा था 60,000 से नीचे रहेगा आंकड़ा, अमेरिका में अब तक 11,32,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, 65,000 से ज्यादा पीड़ित दम तोड़ चुके हैं। आप देख रहे थे द दस्तक 24 में अभी तक की 10 बड़ी हेडलाइन सबा खान के साथ, शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।